आज बात करेंगे महात्मा बुद्ध के दर्शन में भंते की भूमिका क्या होती है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र जी से बात करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, इनकी बड़ी अच्छी गहरी पैठ बौद्ध दर्शन पे है और इस वक्त यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सलाहकार सदस्य हैं। ब्राह्मणवाद का विरोध करके बौद्ध सनातन का विरोध करते हैं, ठीक उसी रास्ते पे बौद्ध भंते चलते हैं। से भयानक व्यवस्था लागू करनी थी तो ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों? देखिए, समस्या मुझे लगता ये है कि भगवान बुद्ध ने भी, मुझे लगता है, भगवद गीता से बहुत प्रेरणा ली है। उनका जो धम्मपद नाम का धार्मिक ग्रंथ है उसमें आप आश्चर्य करेंगे, जो अंतिम अध्याय है उसका नाम ही ब्राह्मण बग्गो है, माने ब्राह्मण की प्रशंसा करते हैं और ब्राह्मण के गुणों के आगे नत होते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि ब्राह्मण की जो मर्यादा है उसको और मुझे लगता है कि सनातन ग्रंथों से ही भगवान बुद्ध ने बहुत ग्रहण किया, क्योंकि ज्ञान कोई पीपल के पेड़ से नहीं टपकता है। ज्ञान जो है या तो शास्त्र से आएगा या संत से आएगा, विचारक से आएगा, गुरु से आएगा। भगवान बुद्ध ने इन सब का प्रयोग किया है, उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म में भगवान बुद्ध को अवतार स्वीकार किया है। केवल एक बात जो भगवान बुद्ध की, कि ईश्वर की सत्ता जैसे सगुण सत्ता है, हम सगुण पूजा करते हैं, उसको स्वीकार नहीं किया। आत्मा और परमात्मा के संबंध में भगवान बुद्ध जो है आत्मा को सशक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उन्होंने सिद्धांत दिया अपो दीपो भगवत गीता से आया हुआ है। भगवत गीता खुद कहती है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मा से अपना उद्धार करो। मतलब भगवान बुद्ध भी तो यही कह रहे हैं कि आत्मा से अपने, उसको दीपक बता दिया, उस दीपक से प्रकाश फैलाओ। तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये जो एक्चुअली अंबेडकर बाद ने एक भयानक स्थिति समाज में उत्पन्न कर दी, वो विरोध में खड़ा कर दिया कि जैसे सनातन धर्म के विरोध में, वास्तव में भगवान बुद्ध सनातन धर्म के विरोधी नहीं है, सब कुछ वहीं से ग्रहण किया हुआ है, शास्त्र से और पंचतंत्र, जैसे पंचतंत्र है ना वहां, उसी तरीके से जातक की कथाएं एक एक श्लोक में, जैसे पंचतंत्र कहता वैसे ही जातक ग्रंथों में है। भगवान बुद्ध सीधा कहते हैं, अप के नापि मेधावी पावतेन विचक्षणो समठापेति अत्तानम अन्नुम अग्निम संदमन, आत्मा अणु के समान, एक अंश के समान में बहुत कुछ कर सकती है। आत्मा की शक्ति को प्रबल बनाने के लिए, अब दूसरी बात यह है कि कुछ उपचार भी साथ में लगाने पड़ते हैं, जैसे आठ मार्ग बताए, आठ प्रकार की अनुभूतियां बताइए, इसमें सनातन धर्म का विरोध कहाँ है? दुख का जो दर्शन करना, संसार में दुख है, दुख के कारण को खोजना, दुख के निवारण को खोजना, तो ये सारी चीजें जो है सनातन धर्म में आदि ग्रंथों में भरी पड़ी। ये तो केवल राजनैतिक वितंडावाद खड़ा हो गया। मुझे स्वयं इस बात का, मैं तो इस विद्या को बहुत दिन, लगभग 26 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाया, अंबेडकर को ही लगा कि सनातनी लोग जो है वो ज्यादा ज्ञानवान, ज्यादा सुलझे हुए हैं। अब सनातन धर्म के विरोध में उन्होंने जो, जिसे हम कहते हैं ना, जो लोग उतने शिक्षित नहीं थे, जो लोग उतने समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, एकदम उस समाज में जैसे है ना राजनीतिक भर्ती शुरू कर दी कि भाई तुम खड़े हो जाओ और तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो, कुछ प्राप्त करने के लिए लड़ो। प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ, जो मूल ज्ञान से अलग हो गया उसको कहाँ प्राप्त होगा? उसे अध्ययन करना चाहिए शास्त्रों का, सारी विद्याओं का, तब वो कुछ जीवन की दिशा प्राप्त कर सकता है। केवल तीन बातें भगवान बुद्ध ने बड़ी सरल सी रखी, बुद्धम शरणम गच्छामि,
बुद्ध की शरण में जाता हूं, ठीक बात है, धम्मम शरणम गच्छामि है, धर्म की। अब धर्म की व्याख्या जो है, धर्म कोई एक छोटी चीज नहीं, और संघ अगली बात ये किया, संगम शरणम गच्छामि माने यूनाइटेड, यूनाइटेड फॉर व्हाट, यूनाइटेड फॉर जो प्रबुद्ध सत्ता है, जो ज्ञानवान सत्ता है, जो सामाजिक कल्याण के लिए संस्था, उसके खिलाफ खड़ी करी। जो समझदार बौद्ध हैं वो जानते हैं कि ये बात अनुचित है, तो कहीं विरोध का लक्षण नहीं, विरोध केवल सामाजिक और राजनीतिक, और वो भी क्या, सुविधाओं को हथियाने की वजह से, संख्या बढ़ाने के लिए। बुद्ध के बारे में अंबेडकर की भी अपनी व्यक्तिगत धारणा ये थी कि बुद्ध प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, और प्रज्ञा कभी प्रतिक्रिया नहीं करती, किसी का विरोध नहीं करती। ये तो विरोध राजनीति ने सिखा दिया, सामाजिक प्रतिक्रियाओं ने सिखा दिया, और इसका बड़ा घाटा हुआ, जो लोग उस उन प्रतिक्रियाओं में आगे आए उनको बड़ा घाटा हुआ, वो बेचारे आगे बढ़ नहीं पाए, उनका आगे जो शास्त्र पढ़ने का, आगे ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से या संगम शरणम गच्छम कहने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है शास्त्र और संत के सहयोग से। सुनने में आता है कि बौद्ध भंते किसी के धार्मिक समारोह में जाते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं, तो वहां अच्छी एक रकम की उगाही करते हैं, और वहां भी भंते यानी ब्राह्मण पुजारी उनके यहाँ सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है, अपने सामान्य जनमानस से ऊंची अवस्था में है। तो सेम उसी व्यवस्था को अगर लागू करना था तो सनातन की उस परंपरा का। अब प्रश्न ये है कि सुविधाओं का प्राप्त करना, तो सुविधाओं के प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान ने बहुत कुछ किया हुआ है, और सुविधाएं मिल रही है, आरक्षण है, और कितने दिनों से आरक्षण, कितने समय से आरक्षण चला, तो वो सुविधा प्राप्त करने के लिए संविधान के अंतर्गत राजनीतिक प्रयत्न करो, अपनी सुविधाएं लो, और जो सुविधाएं पहले से निश्चित है उनका लाभ उठाओ। लेकिन ज्ञान का विरोध करना, अच्छे मार्ग का विरोध करना, अच्छे शास्त्रों का विरोध करना, ये कोई बहुत समझ की बात मानते हैं। बुद्ध दर्शन गीता का अनुकरण है। हाँ बिल्कुल, आप जगह जगह, अरे जहां भगवान बुद्ध कहते हैं ना अपो दीपो भव, खुद अपना दीपक बनो, गीता भी तो यही कहती है, उदरेत आत्मना आत्मानम, आत्मा से आत्मा को उद्धार करो। परमात्मा कोई लाठी डंडा लेके थोड़ी घूमता है, परमात्मा वो शक्ति है जो समाज को संरक्षण देता है, समाज को शक्ति देता है, और अगर समाज में अपराध है, दुराचार है, उसको दंड भी देता है। इसीलिए तो भगवद गीता कहती परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना। और ये धर्म किसी एक संप्रदाय के कब्जे में नहीं है, ये तो जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, जो वैदिक काल से ऋषि मुनि सारी हमारी परंपरा रही, इतनी रिच परंपरा ग्रीक दर्शन में नहीं मिलेगी आपको। ग्रीक फिलोसफी का पश्चिम के देशों में बड़ा आदर है, बहुत कुछ है, लेकिन बेचारे अटक जाते हैं। भारतीय सनातन जो परंपरा है उसमें इतना रिच लिटरेचर, इतने ऋषि, इतने चिंतक हुए हैं, भगवान बुद्ध उसका एक अंश है, अनेक अवतारों में एक अवतार। मतलब क्या हुआ, भगवान बुद्ध इज ए पर्सनैलिटी इमांग ग्रेट पर्सनैलिटीज, बड़ी पर्सनैलिटीज में एक पर्सनैलिटी, बाकी पर्सनैलिटियों को हम उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे मैं स्वयं क्या करता हूं, भगवान बुद्ध की जो धम्मपद ग्रंथ है उसको हिंदी दोहा में अनुवाद करके लोगों को बांटता हूं कि भाई तुम देखो पढ़ो, इसमें लोग आते हैं मेरे पास। ऐसे गीता का दोहा का अनुवाद भी मैंने किया, मैं दोनों पुस्तकें लोगों को देता हूं, भगवान बुद्ध की पुस्तक भी और भगवद गीता। एक बहुत बड़े राजनेता ने मुझसे कहा कि प्रोफेसर साहब आप वो जो हैं इसमें ब्राह्मणों की प्रशंसा की बात कैसे कह देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं, धम्म पद में अंतिम अध्याय ब्राह्मण वग्गो है, ब्राह्मण अगर भगवान बुद्ध ये बात कह रहे हैं तो मैं कहाँ कह रहा हूं, ये तो भगवान बुद्ध के वचन,
ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उस सनातन परंपरा में, उस ज्ञान की परंपरा में, उस विवेक की परंपरा में, सदाचार की परंपरा में बहुत आगे बढ़ा हुआ। भगवान बुद्ध ने कभी ये दुस्साहस नहीं किया कि ब्राह्मण का पान करें, कहीं नहीं किया। तो एक आपको बताएं, एक मुख्यमंत्री पद की महिला में से नाराज हो गई, बोली आप ये खुद करें, मैं नहीं कर रहा हूं, ये देखो ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये भगवान बुद्ध के वचन है भाई। तो अगर आप ग्रंथ को लात मारते हैं तो बड़ा अपराध कर रहे हैं। आप मेरी बात मत मानो, आप जो भगवान बुद्ध के वचन है, जो उनका ग्रंथ है, उसका आदर करो, उसका समझो। तो मैं कह रहा था कि ये वैचारिक विरोध जो है, समझ से, आपस में लेन देन से, ग्रंथों के प्रचार से, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये ग्रंथ और वितरित किए जाए, गीता भी वितरित करूं और भगवान बुद्ध का धर्मपद भी, ताकि साधारण आदमी की बुद्धि में कुछ परिवर्तन आए। आपने धर्मपद का दोहावली बनाया, गीता की दोहावली बनाई, जनमानस के लिए लेके आप जा रहे हैं ताकि लोग उसको समझ सके आसान भाषाओं में जी। इस पे आपकी उस पुस्तक की समीक्षा हम अगले अंक में करेंगे, दोनों पुस्तकों की।